10,000 बेड्स ऑलमोस्ट तैयार है। अगर अरे हमें ये मैडम ऑक्सीजन वैक्सीन मिलती बताइए, रहे, वैक्सीन 10,000 नए ये कौन है जो बीच बीच में बोल रहे हैं प्रतीक जी, इस तरह से डिबेट नहीं होनी चाहिए। आपका तो डिबेट बहुत अच्छा मॉडरेटेड होता है। आप मुझे बोलने का मौका दीजिए, कौन आज बीच में मुझे रोके जा रहा है, मैं शांति से बैठी हूँ। मैं आप ही को मौका आप ही सर दूंगा, सुनने मैं के आप ही को लिए मौका दूंगा, मौका मैं आप रीना आप जी ही सर बोलिए सुनने के बोलिए, लिए रीना जी बुलाए बोलिए बोलिए, वैक्सीनेशन जहां तक नहीं, वैक्सीनेशन सुन का रहे, रुको सवाल सुन रहे, है, ऐसा ना हमने करिए, दिल्ली में डिमोरलाइज मत करिए, 300 नूपुर डिमोरलाइज मत वैक्सीनेशन करिए, बोलने दीजिए सेंटर रीना खोल को। दिए हैं और जैसे ही वैक्सीनेशन की सप्लाई बढ़ेगी हम 3,000 वैक्सीनेशन सेंटर खोलने के लिए तैयार हैं। हमने 40,000 लोगों को ऑलरेडी एम्प्लॉय कर लिया है, लेकिन इस बात में ये प्रॉब्लम है कि वैक्सीनेशन की सप्लाई नहीं है। मैं आपके शो पे आने से पहले कैलकुलेशन कर रही थी, पूरे देश को 170 करोड़ वैक्सीन चाहिए और जो दो जो जो कंपनी है दो जो मिलके सिर्फ 9 करोड़ वैक्सीन बना सकती है एक महीने में। तो फिर से मैं आपके चैनल के माध्यम क्या से बोल रहे हैं, केंद्र सरकार से गुजारिश करना चाहूंगी कि और सारी वैक्सीन को अप्रूवल दिया जाए, ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन की सप्लाई बढ़ाई जाए, जिससे कि हम दिल्ली में राइट पूरी दिल्ली को राइट हम 3 महीने नूपुर में वैक्सीन कर सकते हैं। जरा राइट प्रतीक जी प्लीज, मैं बिल्कुल सही, किसी के बीच में नहीं बोलूंगी। 36,000 करोड़, बहुत सारे इल्जाम सवाल सुन लगाए लीजिए गए पहले, हैं। 36,000 करोड़, चल नूपुर जी, नहीं नहीं इल्जाम कोई नहीं लगाया गया आपके ऊपर, कोई इल्जाम नहीं लगाया गया, ना ही कोई अच्छा किसी से सवाल पूछे, अच्छा इल्जाम की कोई बात ही अच्छा नहीं। प्रतीक छत्तीस जी मेरे हजार को मेरा करोड़ बोलने का समय छत्तीस मिलना हजार चाहिए। करोड़ रुपए बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। 36,000 करोड़ रुपए वैक्सीन के लिए अलग से एलोकेशन हुआ है और देश का जो बजट है जो हेल्थ का, वो इस बार निश्चित तौर से बढ़ा है, वो करीबन 2 लाख 2.5 लाख से ज्यादा, उसको उर्वशी जी ज्यादा करेक्ट कर देंगी, क्योंकि पहले 1.6 1.4 के आसपास रहता था, दुनिया की फेहरिस्त में सबसे नीचे हेल्थ के एलोकेशन में हम हैं, लेकिन इस बार आपने 36,000 करोड़ के करीब वैक्सीनेशन के लिए अलग से एलोकेट किया। वो कांग्रेस की प्रवक्ता ने आपसे कुछ सवाल सीधे पूछे हैं रागिनी नायक ने, वो जवाब देंगी आप। नूपुर मैं दोनों के सवाल दूंगी और आशा सलूशन की करती हूँ तरफ मेरे ऊपर कोई नहीं बोलेगा, मैं इनके ऊपर नहीं बोली, नहीं सलूशन की तरफ भी और कुछ झूठ जो पर देखिए झूठ के ऊपर छौका लगा देंगी राजनीति जी तो वो सत्य नहीं हो जाएगा। मेरे पास अभी अभी मैसेज आया है सोलिसिटर जनरल साहब के यहाँ से, मुझे नहीं पता इन्होंने कहाँ सुन ली है बात के केंद्र सरकार पूछ रही है सर्वोच्च न्यायालय से, आप बताइए कैसे संभाले। मैं आपको पूरा कॉन्वर्सेशन सुना लेती हूँ और फिर सुन लीजिएगा कैसी झूठ की मशीन है कांग्रेस पार्टी। जज साहब ने बोला बिल्कुल, जज साहब ने बोला सुन लीजिए, जज साहब ने बोला कि तीसरी लहर की बात हो रही है, वी शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग, ये ऑब्जर्वेशन था। तो सोलिसिटर जनरल साहब जो केंद्र सरकार का भार रखते हैं वहां जाके, वो कहते हैं वी विल बी ओपन टू टेक माय लॉर्ड सजेशंस इसमें, और ये कहने में कि आप बताइए क्या करें हमें तो पता नहीं, वो भी उस दिन जबकि ग्लोबल प्लान सबमिट किया गया सर्वोच्च न्यायालय के दिन। देखिए रागिनी जी आपने झूठ परोस दिया, आपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लेके, और एक आपकी प्रियंका वाड्रा जी ने झूठ परोसा था कि मेडिसिनल ऑक्सीजन एक्सपोर्ट कर दी केंद्र सरकार ने, जिसने वो आर्टिकल लिखा उस तक को नीचे गिराना पड़ गया कि वो मेडिसिनल ऑक्सीजन नहीं थी इंडस्ट्रियल थी। तो कृपया करके झूठ का छौका मत लगाइए यहाँ पे, वो बिल्कुल नहीं चलेगा। और दूसरा झूठ, 4 दिन पहले केंद्र सरकार ने 255 मेट्रिक टन बढ़ा के दे दिए, कल राजस्थान की बात कर रही हूँ, कल राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी ने कहा है हमारे पास पूर्ण रूप से ऑक्सीजन है। मैं जवाब तो देना आप जो चाहता कमी 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 चिल्ला रही है, मैं आपको आर्टिकल दिखाती हूँ, या तो आपके चीफ सेक्रेटरी वो झूठ बोल रहे हैं, या आप झूठ बोल रही है, या राजस्थान सरकार झूठ बोल रही है, इसके बारे में आप लोग आपस में डिसाइड कर लीजिए। ये है आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया का डेटेड May 5, 2021। अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन राजस्थान इज इनफ। प्रतीक जी आप मेरी बारी है, कृपया मुझे बोलने का मौका दीजिए। मैंने रीना जी की बात का जवाब दिया है, ऑफ कोर्स आम आदमी पार्टी को दे रहा हूं मैं मौका दूंगा, दूंगा बोलने का मौका दिया जाए। मैंने रीना जी का जवाब नहीं दिया, मैंने रीना जी का जवाब बिल्कुल बिल्कुल ऑफ कोर्स बिल्कुल नहीं दिया अभी मैंने। हाँ दीजिए ना, दीजिए 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 बिल्कुल दीजिए, ये बारे में बिल्कुल आपका रागनी रागनी आपको भी चांस दूंगा मैं। नूपुर बोलिए, नूपुर पूरे नूपुर बोलिए, दोनों की ऑडियो डाउन, बाकी दोनों की ऑडियो डाउन, बाकी दोनों की ऑडियो डाउन। नूपुर नूपुर बोलिए, नूपुर बोलिए, जल्दी बोलिए, सवाल पूछे आम आदमी पार्टी से। हाँ मैं दोनों के जवाब दूंगी भाई, डॉक्टर के ऊपर दोनों खर्चा पानी लेके चले। नूपुर आप, नूपुर आप सवाल आम आदमी पार्टी का दीजिए। हाँ आम आदमी पार्टी दोनों का दूंगी, नहीं मैं दोनों का दूंगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी बड़ी संतुष्ट थी
कि एक एक चिता के ऊपर 8 शव जल रहे थे भीड़ के अंदर महाराष्ट्र में। कांग्रेस पार्टी की सोनिया गांधी बड़ी संतुष्ट थी कि एक एम्बुलेंस में 22 शव घुसेड़ के लिए जा रहे थे क्रिमेशन के लिए, और आप यहाँ पर डॉक्टर के ऊपर चिल्ला रही। और वही रीना जी आप आपस में डिसाइड कर लो, क्योंकि आज आपके वकील ने दिल्ली उच्च न्यायालय में कहा है कि 15,000 बेड पाइपलाइन में, और आपको दिल्ली उच्च न्यायालय की बेंच ने जिस तरीके से खदेड़ा है ना, पाइपलाइन तो हम 3 हफ्ते से सुन रहे हैं, असल में कब दिखेंगे। तो आप 10,000 कह रही है, वो 15,000 कह रहे हैं, आपको आपस में नहीं पता। दूसरी बात, January 23, 2021 को 10 राज्य सरकारों को चिट्ठी लिख के भेजी गई थी कि आ रही है दूसरी वेव, क्या प्रिपेयरनेस है। आप कह रहे हो सब सो रहे थे, आप सो रहे थे जनाब, जब आ